हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज़्मा रिज़वान ब्लॉग। और आज हम शेयर करेंगे आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी, रोटी और चावल। तो पूरी थाली आज हम बनाएंगे और इसकी जो सब्ज़ी होगी वो बहुत टेस्टी होगी, एकदम चटपटी और बहुत ही आसान तरीका उसको बनाने का, कोई भी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पड़ने वाली है और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाती है। तो चलिए पूरी थाली बनाएंगे इस ब्लॉग के अंदर, तो ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पे इब्राहिम, आज जुमे का दिन है तो इब्राहिम नमाज़ पढ़ के आए हैं और अभी टाइम हो रहा है, फ़िलहाल 2 बज रहा है, तो नमाज नमाज़ पढ़ के ही आए हैं मस्जिद से। तो आप देख सकते हैं कुर्ता पजामा पहने इब्राहिम, टोपी लगी है इनके और कितना शरीफ लड़का लग रहा है एकदम। बस यहाँ जुमा था तो मैंने इसको तैयार कर दिया था और मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए भेज दिया था। ये अपने अब्बा के साथ नमाज़ पढ़ने गया था मस्जिद। तो अब यहाँ पर खेल रहे हैं बच्चे। और दोपहर में खाने में मैंने कुछ बनाया नहीं था, रात की सब्ज़ी रखी थी, स्टू बनाया था रात में बड़े का, तो वही मैंने दोपहर में चला लिया था और साथ में रोटी बना ली थी गरम गरम। तो स्टू रोटी दोपहर में हम लोगों ने खाया है सबने, बच्चों ने, हमने सबने। और शाम में कोई सब्ज़ी बनेगी, तो जो शाम में बनेगी आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी, उसकी रेसिपी मैं इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो आप प्लीज़ इस ब्लॉग को एंड तक देखते रहिए। इनकी पतंग देखे कैसी है, हमें दिखाओ। ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे लगाओ, ठीक करो उसको, हाँ ठीक करो। देखो इधर देखो, ऊपर देखो इब्राहिम, ये लो। देखे देखो मेरा, नहीं इब्राहिम क्या बदतमीजी कर रहे हो। तो ये देखिए आज मौसम कितना ठंडा है, पूरी रात से बारिश हो रही है और अभी भी बादल लगता खड़ा है एकदम। अब भी बारिश होने के चांसेस हैं और शाम तक बारिश हो सकती है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको, बहुत ही काले काले बादल एकदम हैं और बहुत ठंडा मौसम है आज, और बिल्कुल जैसे लग रहा है कि ठंड आ गई है हल्की हल्की, ये काफ़ी ठंड आ गई है, पहले से इतनी गर्मी थी बिल्कुल अब सब चली गई और ठंडा मौसम हो गया है। तो मैंने बस कपड़े थोड़े से धोकर डाल दिए हैं ताकि कपड़े जो हैं धीरे धीरे सूख रहे हैं। कुछ कपड़े मैंने अंदर जाल में डाल दिए हैं, जो पानी निकल निचोड़ गया है उनको जाल में डाल दिया है, पंखा चला दिया है ताकि अंदर सूखते रहेंगे। और जो कपड़े गीले हैं जिनका पानी अभी नहीं निचोड़ा है, पानी निकल रहा है, तो उनको मैंने छत पर डाल दिया है और धीरे धीरे सब कपड़े सूख रहे हैं। और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और बज गया है, करीब 3 बज गया है। और अभी हम थोड़ी देर के बाद नीचे जाएंगे किचन में और फिर वहाँ बनाएंगे खाना। तो अब यहाँ शाम का टाइम हो गया है, 3:30 बज गए हैं और धीरे धीरे उतरेंगे नीचे, चाय पियेंगे, फिर खाना वगैरह बनाएंगे। खाना बनाने में भी करीब 1 घंटे में सारा खाना बन जाता है मेरा। रोटी जो है गरम गरम बनाते हैं, रोटी नहीं बनाते हैं, पहले से बना के नहीं रखते हैं, आटा गूंद देते हैं, चावल बना देते हैं, सब्ज़ी बना देते हैं। और जब कोई रोटी खाता है तो रोटी उसके लिए गरम गरम पड़ती हैं, क्योंकि रोटियाँ जो हैं गर्म ही अच्छी लगती हैं, और चावल और सब्ज़ी बना के पहले से रख देते हैं। तो बस अब यहाँ हम धीरे धीरे जा रहे हैं नीचे। तो यहाँ हम नीचे आ गए हैं और बच्चे खेल रहे हैं गाड़ी से, इनकी गाड़ी उतार दी नीचे ताकि खेल में लगे रहें और मैं अपना किचन में खाना बना लूँ। तो ये खेल रहा है इब्राहिम। जा रहे हैं खाना बनाने और मैं सब्ज़ी बनाऊंगी भी आलू बैंगन की, आलू बैंगन और टमाटर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और मैं किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ हम जा रहे हैं सब्ज़ी बनाने और टाइमिंग हो गई है 5:30, तो खाना बनाने का टाइम हो गया है। मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो ये मेरा स्टैंड है, मैं ये स्टैंड लेके मैंने मंगाया था, तो ये स्टैंड मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया था, ये मैंने यहीं पे शॉप से मंगाया था और ये मुझे मिला था यहाँ पे, सस्ता ही मुझे मिल गया था। तो मैं इस पर मोबाइल लगाने जा रही हूँ और बनाऊँगी वीडियो। तो ये आलू बैंगन हैं और ये आलू है, सब आलू हैं और ये है बैंगन। तो मैं सबको सब्ज़ियों को धो के काट लूँगी।
देखिए बैंगन वैगन मैंने डाल लिए हैं इसमें। यहाँ पे सारे बैंगन इस तरह से यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ काट ली हैं, टमाटर काट लिए हैं, आलू और बैंगन। और आलू को अगर जैसे पहले से काट लेते हैं तो उसमें थोड़ा पानी डालने से ये होता है आलू काले नहीं होते। तो चलिए सारी सब्जी हमारी कट के तैयार हो गई है और मैंने यहाँ कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है यहाँ पर। और थोड़ा सा इसका पानी सूख जाने देंगे, कढ़ाई थोड़ी गीली है, इसका पानी ज़रा सूख जाए उसके बाद हम इसके अंदर तेल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो प्याज इस तरह से काट लिए हैं, देखिए मैं यहाँ पर प्याज काट रही हूँ। जब तक कढ़ाई का पानी सूख रहा है यहाँ मेरी प्याज कट जाएगी आराम से। तो यहाँ इस तरीके से मैंने प्याज काटी है और जैसे नॉर्मल बघार के लिए काटते हैं वैसे ही काटी है प्याज, थोड़ी सी पतली पतली होना, ज़्यादा मोटी प्याज काटो तो वो सही से पक नहीं पाती है और कच्ची कच्ची सी रह जाती है। तो प्याज जो है थोड़ी सी बारीक ही काटना चाहिए। तो बस यहाँ प्याज हमारी कट रही है और इसका पानी अब सूख गया है कढ़ाई का, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी तेल। तो मैं इसके अंदर कढ़ाई के अंदर अब तेल डाल दूँगी, इसका पानी बिल्कुल सूख गया है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर तेल डाल रही हूँ, तेल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सिर्फ एक बड़ा चम्मच, ज़्यादा हम तेल नहीं डालेंगे, थोड़ा ही तेल डालेंगे। एक बड़ा चम्मच तेल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तेल जब तक गर्म हो रहा है जब तक हम ये दूसरी जो प्याज रखी है इसको भी काट लेंगे। बस सरसों का तेल है थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है, कच्चे तेल में अगर सब्ज़ी बनाओ तो वो एकदम कचायन जैसी आती है, सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। तो इसके जो तेल है जब तक इसमें धुआं ना उठने लगे, जब तक उसमें सब्ज़ी नहीं बनाना चाहिए, ताकि धुआं उठने से ये होता है उसका कच्चापन निकल जाता है पूरी तरीके से और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ तेल गर्म होना स्टार्ट हो गया है मेरा और यहाँ पर मैंने प्याज भी दोनों काट लिए हैं और बस तेल भी अच्छे से गर्म हो जाएगा, जब धुआँ निकल जाएगा हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। तो तेल यहाँ ऑलरेडी अच्छे से गर्म हो गया है आप देख सकते हैं। तो बस ये ध्यान, सरसों के तेल में ध्यान रखना पड़ता है कि कच्चा ना रह जाए, वरना पूरे सब्ज़ी में कच्चाई आ जाती है। तो यहाँ फ्लेम को मैंने एकदम हाई रखा था ताकि जल्दी तेल गर्म हो जाए और मैं इसके अंदर अब डाल रही हूँ प्याज। तेल यहाँ अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें धुआँ आना स्टार्ट हो गया है तेल में। तो मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी अब, और प्याज डालने के बाद इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, प्याज में कच्चाई ना रहे बिल्कुल भी, अच्छे से जो है प्याज पक जाए। तो इतना हम इसे पका लेना है, बस जले ना इतना पकना चाहिए कि इसके कच्चापन ना रहे इसके अंदर। एक चम्मच ज़ीरा डाल दिया मैंने इसके अंदर, अब यहाँ इसको पका लेंगे दोनों चीज़ों को अच्छे से। तीन से चार मिनट में आराम से प्याज पक जाएगी। तो यहाँ पे प्याज पक रही है अच्छे से, ज़ीरा भी डाल दिया है ऑलरेडी इसके अंदर मैंने। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम हींग। तो अगर ये आप देखेंगे तो ये आधे चम्मच से भी कम है और हींग इसके अंदर डालती हूँ मैंने। हींग डालने से ये होता है बैंगन जो होते हैं बादी होते हैं, तो हींग डालने से उसका बादीपन ख़त्म हो जाता है और बैंगन फिर नुकसान नहीं देते। कभी भी बैंगन आलू पकाएँ तो उसके अंदर हींग थोड़ी सी ज़रूर डाल दें, उससे ये होता है कि सब्ज़ी भी टेस्टी हो जाती है और उसके अंदर बादीपन भी बिल्कुल नहीं रहता सब्ज़ी के अंदर। तो ज़रा सी हींग तेल में डालने से बहुत सही रहता है। तो बस यहाँ पे अब हम डालेंगे इसके अंदर बैंगन। तो बैंगनों को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। अब बैंगन काटते टाइम आप ये ध्यान रखें इसके अंदर कीड़े हो जाते हैं, तो जैसे काटें तो एक बार कट लगा के ज़रूर देख लें कि उसके अंदर कीड़ा तो नहीं है। तो कीड़े वगैरह इसमें बहुत जल्दी हो जाते हैं बैंगन में गोभी में, तो इनको बहुत ध्यान से काटना चाहिए। तो प्याज हमारी ऑलरेडी अच्छे से पक गई है, कलर भी चेंज हो गया है, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बैंगन। तो मैं इसके अंदर यहाँ बैंगन डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ इसके अंदर बैंगन डाले हैं, बैंगनों को थोड़ा सा पका लेंगे दो से तीन मिनट तक, हल्की सी जरा सी नरम हो जाए बैंगन, उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने इसको चला दिया अच्छे से ताकि इसमें जो प्याज है तेल है वो सब चीज़ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए बैंगनों में। तो यहाँ चला दिया है मैंने और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नमक, मिर्च सब ऐड करेंगे इसके अंदर।
एक चम्मच भर के नमक मैंने ऐड कर दिया है, एक चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है इसके अंदर। और अब इसको चला देंगे ताकि नमक मेरा जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए बैंगन में। अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं बैंगन को पकते हुए यहाँ पे। तो यहाँ मैंने अच्छे से चला दिया है ताकि नमक जो है इनमें अच्छे से ऐड हो जाए। तो बस यहाँ अच्छे से चला दिया है, फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई रखा है, फ्लेम यहाँ पे ऑलरेडी हाई है अभी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आलू। आलू को भी मैंने छील के और धो के काट लिया है अच्छी तरीके से। आलू ऐड कर दी इसके अंदर मैंने। आलू को पीछे चला दिया है और ये आलू बैंगन दोनों इसमें मिक्स कर दिए हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी देर के बाद टमाटर। अभी टमाटर हम फौरन नहीं ऐड करेंगे, थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने बड़े तरीके से चला दिया है और यहाँ पे आलू भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं बैंगनों में। और फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई रखा है। और ये जो सब्ज़ी है ये बहुत टेस्टी बनेगी और बहुत ही कम सामान में बन जाती है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाले या एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ के अंदर नहीं ऐड करनी होती है और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसके अंदर हम पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि टमाटर में काफ़ी मॉइस्चर होता है, उसी में ये अच्छे से गल जाएंगे। और बैंगन जो होते हैं वो ऑलरेडी गल जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती गलने में। तो पानी हम इसके अंदर एक बूंद भी नहीं ऐड करेंगे और बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनेगी ये। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेम को मैंने हाई रखा है, 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही पकने दिया है बैंगन आलूओं को। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। और ये जो सब्ज़ी है सबको बहुत पसंद आती है घर में, मेरे यहाँ सभी लोग बहुत पसंद करते हैं सब्ज़ी। जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ आलू बैंगन की टमाटर की, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। पानी इसमें ऐड करने से सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है वो कम हो जाता है, तो पानी नहीं ऐड करना चाहिए इसके अंदर। ढक्कन ढक के हमको इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। 3-4 मिनट के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए हाई फ्लेम पे पकते हुए, मैं टमाटर लगा दूँगी इसके ऊपर से इस तरह से। और टमाटरों को मैंने अभी इसमें मिलाया नहीं है, इस तरह से ऊपर से लगा दिया है अभी। और ढक्कन ढक देंगे। अब यहाँ पे मैं आटा गूंदने जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा आटा ले लिया है, थोड़ा सूखा आटा मैंने प्लेट में निकाल दिया है। तब रोटी बनाएंगे तो सूखे आटे का इस्तेमाल करेंगे रोटी बनाने में। जब तक मैं यहाँ पर आटा गूंद लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से तसले में आटा ले लिया है। और ये आटा है करीब 3 से 4 कप तक। ज़्यादा आटा मैं गूंद के फ्रिज में नहीं लगाती हूँ। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक आटा गूंद लेंगे। जैसे रोटी का डो तैयार करते हैं वैसे ही डो बनाना है, कोई हार्ड या सॉफ्ट नहीं बनाना है, नॉर्मल जो हम रोटियाँ ही बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम अच्छे तरीके से आटा गूंद लेंगे। आटा मैं पहले से इसलिए नहीं लगा कर रखती हूँ फ्रिज के अंदर, आटा जो होता है काला पड़ना शुरू हो जाता है, उसकी रोटियाँ भी अच्छी नहीं आती हैं, काली काली आती हैं और रोटी का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आटा ना बचे, इसलिए मैं रोज़ आटा ताज़ी ही गूंथती हूँ जब भी रोटी बनाती हूँ शाम के टाइम। अगर बच जाता है तो रोटी बना लेती हूँ, उसको वेस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आटा ना बचे बासी और ताज़ी आटा गूंथ के ही रोटियाँ बनाएँ। ताज़े आटे की जो रोटियाँ होती हैं वो ज़्यादा ही अच्छी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और टेस्टी होती हैं। तो यहाँ पे आटा गूंद रहा है और ये थोड़ा सा आटा जो है सूखा, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भी गूंद के आटे में मिला लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे हमारा आटा बढ़िया तरीके से गूंद जाएगा और गूंद के हम रख देंगे रोटियाँ। हम जब खाना जब कोई खाएगा तभी बनाएंगे, अभी हम रोटी बनाएंगे नहीं, आटा गूंद के लगा देंगे। इससे ये होगा कि आटा सॉफ्ट भी हो जाएगा अच्छे तरीके से, और जब गरम गरम रोटी बनाएंगे जब खाना खाना होगा तो खाने में भी रोटी अच्छी लगेगी। तो उसको अच्छे से गूंद के आटे को रख देंगे। तो इससे ये होगा कि आटा जो है बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा और रोटी जब बनेगी तो बहुत सॉफ्ट बनेगी और बहुत बढ़िया रोटी बनेगी। तो यह मैंने इसी तरीके से आटा गूंद के रख दिया है। तो यहाँ पे आटा आराम से गूंद गया है और गूंद के इसको मैं रख दूंगी। और जो सूखा आटा मैंने प्लेट में निकाला है उसी प्लेट से मैं इसको ऊपर से ढक दूंगी और उसके ऊपर से एक प्लेट और ढक दूंगी। देखिए आटा हमारा ऑलरेडी गूंद के तैयार हो गया है, कितना बढ़िया आटा गूंदा है देखिए। तो मैंने आटा जो निकाला है सूखा वाला वो ऊपर से प्लेट ढक के
इसके ऊपर से दूसरी प्लेट ढक के मैंने साइड में कर दिया है। और मैं यहाँ पे 2 कप चावल लिए हैं, इसको बनाएंगे। तो इसको सबसे पहले साफ़ करके धो लेंगे। 2 से 3 बार चावलों को धोना चाहिए कम से कम, क्योंकि चावल में भी काफ़ी डर्ट होती है। कम से कम 3 बार चावलों को धोना ही चाहिए, उसके बाद ही पानी डाल के इसको चढ़ाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको कम से कम 3 बार चावलों को धोऊंगी। तो ये चावलों को कम से कम मैंने 3 बार धोया है इसी तरीके से, और धोने के बाद मैं इसके अंदर पानी डाल के चढ़ाऊंगी। तो चावलों को मैंने कम से कम 3 बार धोया है साफ़ करके, बिल्कुल इसकी बिल्कुल भी डर्ट निकल गई है। और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, पानी करीब मैंने 2 गिलास पूरा भर के डाला है। इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, नमक डाल के चावल चढ़ा दूँगी। और जब चावल थोड़े से पक जाएंगे तब इसके बाद मैं इनका पानी बसा दूँगी चावलों का। तो मैं यहाँ पे दूसरी वाली गैस पे चावल चढ़ा देती हूँ। तो सब्जी बन रही है एक साइड में, गैस को मैंने सब्जी वाली गैस को कम कर दिया है फ्लेम को, और यहाँ पर चावल बन रहे हैं। तो दोनों गैस चल रहे हैं, सब्जी वाला गैस कम है, फ्लेम लो कर दी है, और चावल वाली जो फ्लेम है वो हाई है, तेज़ है यानी। तो बस सब्जियाँ चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बनी है कि नहीं बनी है। तो ढक्कन हटा के देखते हैं, और सब्ज़ी का जो फ्लेम मैंने लोस्टली रखा था ताकि धीरे धीरे आँच पे सब्ज़ी बने, क्योंकि इसमें पानी है नहीं, और अगर हम तेज़ कर देंगे आँच तो सब्ज़ी जल जाएगी और सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो देखिए आलू भी गलना शुरू हो गए हैं, देख सकते हैं आप, आलू भी गलना शुरू हो गए हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं काफ़ी। तो एक बार यहाँ चला देंगे इसको, चलाने के बाद ढक्कन ढक के थोड़ा सा और पकाएंगे भी, ताकि ऊपर नीचे करने से होगा कि जो ऊपर के आलू हैं थोड़े से कर रहे हैं, अंदर के आलू जो हैं अच्छे से पक गए हैं। तो चलाने से ही होगा कि आलू चलाने से सारे आलू अच्छे से गल जाएंगे और टमाटर भी अच्छे से अंदर तक ऐड हो जाएंगे। तो यह चला दिया मैंने, चलाने के बाद हम ढक्कन ढक के 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर और पका लेंगे सब्ज़ी को, फिर हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो बस यहाँ पे फ्लेम को लेकिन लो ही रखना है, फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि टमाटर ने मॉइस्चर छोड़ दिया है, इसी में सब सब्ज़ी गल के तैयार हो जाएगी हमारी। हमें अलग से एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। ढक्कन ढक के थोड़ा सा और पका लेंगे। आलू ऑलरेडी गल चुका है लेकिन थोड़ा सा कर रहा है कोई कोई आलू, तो ढक्कन ढक दिया मैंने यहाँ पे इसमें इस पर, और ढक्कन ढक के लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट पका लेंगे। जब तक मैं धनिया काट लूँगी, यहाँ पर मैंने धनिया धो लिया है, धो के मैं धनिया काट लूँगी, उसके बाद सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो धनिया डाल देंगे इसके ऊपर से और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने धनिया काट लिया है, तो यहाँ पे हमारा धनिया काट के तैयार हो गया है। और ये देखिए जब तक हमारी सब्ज़ी तैयार हो रही है, उसके बाद हम धनिया सब्ज़ी के अंदर डालेंगे। ये देखिए धनिया कट गया है। धनिया से सब्ज़ी की जो खुशबू होती है वो बहुत बढ़िया आती है उसके अंदर से, लगता है कि हाँ परफेक्टली पकी है सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे अब आलू जो है अच्छे से गल गया है, मैं चेक कर रही हूँ। तो बस यहाँ मैंने एक बार चला दिया है अच्छे से, देख सकते हैं आप, और टमाटर भी इसमें अच्छे से मिल गया है, गल गया है अच्छे से, और बैंगन भी गल गए हैं, आलू भी गल गए हैं। ऊपर से मैंने धनिया के पत्ते डाल दिए हैं कटे हुए, और यहाँ पर सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है बन के, ये बहुत डिलीशियस बनी है। एक बार आलू बैंगन की सब्ज़ी इस तरीके से ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी, सबको बहुत पसंद आएगी, और आप ये रेसिपी फिर बार बार ट्राई करेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे जो सब्ज़ी है बनके बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत बढ़िया इसके अंदर से खुशबू आ रही है, और एक तरफ से हमारे जो चावल हैं इसमें खौलाना शुरू हो गई है, अब खौलाने लगी है देखिए। तो बस 3 से 4 खौल के बाद हम इसका पानी पसा देंगे। यहाँ पे 3-4 खौले आ गई, तो मैंने पानी पसा दिया है 3-4 खौल आने के बाद, और चावलों का पानी पसा दिया है। और अब मैं इसको दम पे लगा लूँगी 2 से 3 मिनट, और फ्लेम को लो रखेंगे तब दम पे लगाएंगे। तो फ्लेम को लो करके मैंने 2 से 3 मिनट दम पे लगा लिया, चावल भी तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे हम बनाएंगे रोटी, पूरी थाली बनाएंगे अब हम, और खाने का टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं। तो पूरी थाली तैयार करके मैं बच्चों को खाना खिलाने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर रोटी बना रही, तवा गर्म हो गया है, तवा गर्म होने के बाद मैंने इसके ऊपर रोटी डाली है बेल के, और ये देखिए। तो यहाँ पे मैं 2 रोटी बना लूँगी पहले, क्योंकि जब हम जब कोई खाना खाता है तो जो लोग खाते जाते हैं उनके लिए ही रोटी बनती है, ज़्यादा रोटी बना के हम ऑलरेडी पहले से नहीं रखते हैं, उससे होता है कि रोटी गर्म गर्म होती है तो खाने में भी अच्छी लगती है। तो ये रोटियों को सेक के मैं पहले 2 रोटी बना रही हूँ बच्चों के लिए। ठीक, देखिए ये रोटी हम सेक लेंगे अच्छी तरीके से,
और रोटी सेकने के बाद थाली बना के थाली में खाना लगा लेंगे और बच्चों को खिलाएंगे। बच्चे ऑलरेडी भूखे हो गए हैं, 8 बज गया है रात का और डिनर का टाइम हो गया है। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है, चावल भी बहुत अच्छे बने हैं। तो मैंने यहाँ पे रोटी सेक ली है अच्छी तरीके से और अब मैं इसी की तरीके से एक रोटी और बना लूँगी। तो मैंने रोटी हटा ली है और अब एक रोटी और बना लूँगी इसी तवे पे। तवा भी अच्छे से गर्म है, फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई रखा है। तो रोटी बन गई है एक और दूसरी रोटी बना रही हूँ मैं। तो दो रोटी बना के ये होगा कि बच्चे दोनों लोग खा लेंगे आराम से। तो बस एक रोटी और बेल लिया मैंने, बेलने के बाद मैंने इसको तवे पे डाल दिया है और इसको भी मैं इसी तरीके से रोटी को सेक लूँगी, बना लूँगी। अब अच्छे से गर्म है तो रोटी भी बढ़िया तरीके से बन रही है। इसको भी सेक लिया है मैंने तवा हटा के और बस हमारा जो खाना है वो बनके बिल्कुल तैयार हो गया है और मैं अब थाली में खाना निकालूँगी। और आपको सब्ज़ी भी देखने में बहुत अच्छी लग रही होगी, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं ऐड करें लेकिन उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो यहाँ मैंने ये रोटी भी बना ली है, सेक ली अच्छे से और चलिए अब चलते हैं थाली बनाने। और मैंने यहाँ पे अब गैस को बंद कर दिया, तो मैं यहाँ पे गैस को बंद कर दूँगी। रोटी हमारी सीख गई अच्छे से। तो बस जा रही मैं थाली बनाने। तो मैंने इसके अंदर रखी है रोटी सबसे पहले, तो अब इसके अंदर मैंने रोटी रख दी है और अब मैं डालू इसके अंदर सब्ज़ी रखूँगी और थोड़े से चावल रख दूँगी इसके अंदर। तो पूरी थाली हमारी बन के तैयार हो जाएगी और बहुत डिलीशियस थाली बन के तैयार हुई है। सब्ज़ी बहुत टेस्टी है, एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगी। तो मैंने सब्ज़ी निकाल ली है साइड में और रोटी भी निकाल ली है दो और थोड़े से चावल निकाल लेंगे साइड में, हमारी पूरी थाली बन के तैयार हो जाएगी। और कितने कम टाइम में हमारी पूरा खाना बन के तैयार हो गया है, चावल देख सकते हैं आप कितने बढ़िया बने एकदम खिले खिले। तो बस हमारा खाना पूरा बन के तैयार हो गया है और मैंने ये करीब 1.5 घंटे में पूरा खाना बना लिया है और बहुत आसानी से सारे काम जो साथ ही में कर रहे थे, जो आटा भी गूंद रहा था, सब्ज़ी भी बन रही थी, चावल भी बन रहे थे। तो बस पूरी थाली हमारी तैयार हो गई और मैं जा रही हूँ बच्चों को खाना खिलाने। ये देखिए कितनी डिलीशियस थाली बन के तैयार हुई है। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को खाना खिलाने, बच्चे बहुत भूखे हो गए हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें ताकि वो मेरी हर वीडियो देखे और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।